कानून फितरत, कानून तिब, कानून मुफरदाजा, तिब साबित, तिब यूनानी और हकीकी तिब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको तिब और सेहत के बारे में हमारे आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा मैं आपको कावा बताने वाला हूं जिसके बेशुमार फायदे हैं। मसलन गले की खराबी है, गले का बैठ जाना है, गले का दर्द है, गले की सूजन है, गले की सोजिश है और मौसमी नजला, जुकाम, खांसी, इन तमाम अलामात के लिए, तमाम मसाइल के लिए एक बेहतरीन कावा है। सिर्फ एक दिन आपने इस्तेमाल करना है और एक दिन के अंदर आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिससे आप इंशाल्लाह मजबूर हो जाएंगे मुझे दुआएं देने। तो आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है और फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है। इस वक्त सर्दियों का मौसम है, हर कोई नजला, जुकाम, खांसी, स्मोग की कैफियत से जो है वो दो चार है। तो इस कावे के अंदर आपने क्या करना है, जो चीजें आपने लेनी है उसमें अदरक आपने 3 तोला लेना है, सौंफ आपने 2 तोला लेना है, जोफा आपने 2 तोला लेना है, गाउजबान ये आपने 1 तोला लेना है और मुलट्ठी आपने 1 तोला लेना है। इलायची छोटी वाली वो आपने सिर्फ 6 माशा लेना है। तो अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि तमाम अद्वियात को आपने 1 किलो पानी के अंदर आपने इसको उबाल लेना है। उस पानी को आपने इतना उबालना है, इतना उबालना है कि 1 किलो जो पानी है वो सिर्फ 1 पाव रह जाए। तो आपने उसके अंदर हस्बे जायका चीनी, शहद या गुड़ मिला सकते हैं। तो ये कावा आपने खाने के 1 घंटे के बाद, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद आपने पीना है। और इस कावे के बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है तकरीबन 2 घंटे तक। तो इसमें आपने जो 1 पाव रह जाएगा कावा, वो आपने थोड़ा थोड़ा करके सुबह को, थोड़ा दोपहर को और थोड़ा रात को आपने पीना है। नीम गर्म आपने पीना है, ठंडा आपने नहीं पीना है। तो इंशाल्लाह जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो हर किस्म के गले की खराश, नमोनिया, बुखार और गले का बैठ जाना, नजला, जुकाम, खांसी, रेशे का बन जाना और पसलियों के अंदर दर्द हो जाना और इस तरह बलगमी कैफियत हो जाना, सीना जो है वो बंद हो जाना, तो इन तमाम अलामात के लिए ये एक बेहतरीन कावा है। इसका मिजाज जो है वो बुद्दी आसाबी है, गर्म तर मिजाज है, उजलाती आसाबी मिजाज वालों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। तो इसको आप पिए, इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें सदका जारिया समझ के
और इस बंदे नाचीज को अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।